क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर का नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर और बुक खोलना एफएम की। अभी क्लास से निकल के आए हो तो हो सकता है एफएम की बुक है। हाँ जी, मान लो यहाँ कुछ नया आ गया और आपको अपना दिमाग चलाना है, ठीक। और मान लो मैं नहीं हूं आपके साथ एग्जाम में, और आपको ये क्वेश्चन बनाना भी है, तो अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए 10 रुपए का एक, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना जाएगा 40,000। 12% डिबेंचर है 2 लाख, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हो कि इसमें 24,000। और इधर तो डेट है ही नहीं है, इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे क्या मिलेगा, डिविडेंड। बोलो भाई कितना, 2,40,000। ये क्या चीज है 2,40,000, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब कुछ नाम होना चाहिए ना, ईवीआईटी एक्स है, नहीं एक्स नहीं ईवीआईटी, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%। बताओ प्रेफरेंस शेयर का रेट बताइए डिविडेंड का, आपके पास है 10 मिनट क्योंकि नया क्वेश्चन, कैसे भी करो प्लस माइनस गुना भाग जो करना करो आंसर चाहिए। आप चाहो तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स बता सकता हूँ, 40,000 शेयर्स आएगा 4 लाख दोनों में, और 40,000 40,000 उड़ा मत देना और कहना यार इसका तो वैल्यू नहीं निकलता। पता नहीं वो आप देखो, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर, मैं डिस्टर्ब कर रहा आप करते रहो करते रहो। टैक्स का रेट 40% नहीं है याद रखना, 30% है उस हिसाब से। 30% है तो, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ 30%। हिम्मत है तो बोलो ना कितना है। रेट मांगा, रेट 24%। $16,800 आ गया डिविडेंड का अमाउंट और रेट आ गया 8.4%। नहीं कैंसिल कर देना, मैंने ये कहा मतलब वो कट जाएगा ना, वन आ जाएगा दोनों। अच्छा वही तो मैं बोल रहा हूँ। सिंपल, हाँ
किस चीज को इंटरेस्ट समझ लिया था? क्वेश्चन नंबर 14, अच्छी चलो, कंपनी को जरूरत है 31,25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। तो पैसों का अरेंजमेंट कहां से हो सकता है? 3 12 500 शेयर 10 का 1, या तो फिर इश्यू कीजिए 156,250 शेयर्स और बचे हुए के लिए क्या जाएगा, डिबेंचर्स, या तो शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर कंपनी का ईबीआईटी होगा 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 3,75, 6,25, तो बताइए ईपीएस क्या आएगा? और क्वेश्चन नंबर 3 तो किया नहीं आपने, अच्छा वो ठीक। इट मींस करना क्या है मालूम है ना आपको, ये होमवर्क करना है कि यहां बनाओ, बनाओगे कैसे? सोचो ना यार, कुछ तो जुगाड़ लगाओ क्या हो सकता है। कितने कॉलम आएंगे बस इतना बता दो, कि पहले 62,500 लेकर पांच टेबल बनाने पड़ेंगे। चलो तो ठीक है, जैसे बोलोगे कर लेते। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, पहले कौन सा अल्टरनेटिव कर रहे हैं? ये टाइम पास मुझसे क्यों करवा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 और 5 ठीक। बताओ भाई क्या क्या लिखना है जरा बताते जाओ जल्दी। पूरा 62,500 लेके करना है क्या? अलग अलग 62,500, फिर ईबीआईटी कितना? 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000 और कितना? 1,25,000। इसका नाम रहा ईबीआईटी। इसके बाद क्या माइनस करोगे जो कि है ही नहीं, तो सीधा क्या माइनस कर दे? टैक्स चलेगा ना यार, क्यों हम अब इंटरेस्ट में करो माइनस 0,000, टैक्स के बाद क्या जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां क्या जाएगा? ईपीएस।
ठीक है, मुझे यहाँ लिखना है कि आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों का टाइम खत्म। गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे नहीं बता सकते हैं आप। नहीं, यहाँ बेस्ट अभी ये दिख रहा है क्योंकि मुझे आगे कुछ कंपैरिजन करवाना है ना इससे। हाँ हाँ, अभी नहीं बता सकते। और बताओगे भी क्या कि ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा ईपीएस, वो तो कोई भी बता देगा दुनिया का आदमी। अब कौन सा अल्टरनेटिव करोगे? सेकंड, सेकंड में क्या है? डेट। इसमें माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या जाएगा? ईपीएस। टैक्स का रेट नहीं दिया है क्या? माइनस ईबीटी आएगा ना, माइनस टैक्स। खुश, तो ये आ गया एटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये जाएगा क्या चीज? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे? टैक्स सेविंग्स मतलब मैं समझा नहीं। यहाँ सीधा सीधा टैक्स को इग्नोर करके ईपीएस बताओ। मतलब टैक्स सेविंग्स लिया जैसे कैपिटल बस्टिंग में किया था वैसे। ईबीटी कितना है जरा बताओगे? नेगेटिव। टैक्स का रेट कितना है? नेगेटिव है। नेगेटिव तो नेगेटिव है, तो उन्होंने भी इसमें भी टैक्स सेविंग लिया। मतलब पूरे एफएम में हमको लॉस पे टैक्स सेविंग्स लेना। नहीं, मुझे कंफर्म नहीं था भाई आईसीए का कोई। टैक्स का रेट कितना है? अमाउंट 25,000 प्लस की माइनस, कोई बात नहीं। ईएटी बोल दो, ईएटी 87 नेगेटिव की पॉजिटिव। हे भगवान, कितना? 37,500 नेगेटिव। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 156,250
ईपीएस ऐसा कहीं कैपिटल उठा किए थे ना यार हमने टैक्स सेविंग्स। ईपीएस कोई बताएगा? -0.04। दूसरा वाला 0। तीसरा 0.48। उसके बाद 0.96। उसके बाद 1.9। लास्ट वाला। अच्छा ये किया नहीं। अच्छा एक बात पूछूं? अच्छा कैलकुलेशन कर लो फिर पूछूंगा। लास्ट वाला भी कल कैलकुलेशन कर, कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट कितना कितना आया? -0.56, -0.32, 0.16, 0.16 के बाद 0.64, 1.6। अब सुनो यारो, कैलकुलेशन तो देख लोगे, कैलकुलेशन हो जाए। जो मुद्दे की बात है वो यही है। जब अगर हम ईबीआईटी प्रेफरेंस शेयर को अभी मैं उड़ा रहा हूं, मैं यही की बात कर रहा हूं, ईबीआईटी कमा रहे थे 62,500, तो इक्विटी ऑप्शन में ईपीएस आ रहा था 12 पैसे, इसमें आ रहा था नेगेटिव। कौन सा अच्छा, मतलब कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा इन दोनों में से? मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं। जब 1.25 कमाया तो कौन सा अच्छा? इक्विटी
जब 250 कमाया, इसको कुछ नाम दो, डिफरेंस पॉइंट, ढाई लाख। अब इसके ऊपर क्या होगा, कौन सा अच्छा, बेटी अच्छा है, वो ये क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा कि क्या अच्छा है क्या नहीं, पर हमें समझना नहीं, हमें कैलकुलेशन से मतलब है। तो कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं वैसे ऐसे नहीं करवा था, मैं इक्विटी 62 पर आपको पेज बचाना था तो हमने वैसे कर लिया, ठीक। अच्छा वन हो गया। टू में पूछ रहा है कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है और क्यों। पहले ईबीआईटी 62500 में कौन सा अच्छा, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। हाँ 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 हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां लिखते हैं ईबीआईटी और यहां लिखते हैं अल्टरनेटिव, कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है। और टारगेट क्या रहेगा, यस, तीनों में से जिसमें भी ईपीएस जाता होगा। तो अगर ईबीआईटी 62500 है तो क्या अच्छा, मैं आपके विश्वास पर लिख रहा हूं, है ना। 62500 के बाद क्या आया था, 100000, हाँ बाकी सब देख रहे हैं तीनों अल्टरनेट। रिव्यू में आपसे ये बोल रहा हूँ, बाकी सब तीनों ही देख रहा है, आप गलत समझे। अच्छी बताओ, हाँ वो तो समझाने के लिए था बच्चे। पहले यहाँ कितना आ गया, 125, कौन सा अच्छा, एक बड़ी, उसके बाद 250, प्रेफरेंस या कैपिटल में क्या कितना आ रहा है ईपीएस, वो तो कम है। ऐसा कर सकते हैं ना, डेट आ रही कुछ भी ले लो, इनडिफरेंस आया नहीं, मन मर्जी ऐसा लिख नहीं पाएंगे वहां 250 के बाद। हाँ या तो अल्टरनेटिव वन या तो अल्टरनेटिव टू, मैं ये कह, तो बुरा किसके लिए लग रहा है, वो तो बेकार में टाइम पास कर लिया, ठीक। ठीक है, टाइम पास क्वेश्चन था। और तीसरे में तो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई हो नहीं सकता, क्या बोल रहे, वन एंड टू, वन एंड थ्री, और क्या नहीं पूछा है, क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि कट जाता पूरा। और वन एंड थ्री का कैसे करोगे, टू एंड थ्री का नहीं निकाल सकते, वन एंड थ्री का तो निकाल सकते। हाँ वो जो निकाल सर, अगर हम शॉर्टकट मान, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पहले ना 11 12th में ऐसे क्वेश्चन आते थे, 30 क्वेश्चन दे देता था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन था, उसमें लिखा था डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी मेथड बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डेप्रिसिएशन क्या होता, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो।
सर कहना क्या चाहते हो साफ साफ बोलो, आप समझ गए निकालना है। हाँ नंबर नहीं दिया तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर नंबर नहीं दिया तो हम आईसीएस एआई को कुछ भी क्यों ना बोले तो वो अपने हिसाब से ही चलेगा। नहीं कर सकते भाई, पूरा 2 and 3 बना ही नहीं सकते आप इसे। पहला क्या 1 and 2 पहला अल्टरनेटिव EBIT 1 minus tax divided by n और यहाँ जाएगा EBIT minus interest 1 minus tax divided by n। अब हद तो तब होती है, बच्चे बोलते सर कौन सा वाला लेना है, ये कि है ना, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे ना आप। हाँ EBIT कितना है X का रेट कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 312,500 और यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस, हाँ ठीक, कौन से वाले का 125,000 है सभी का 1 minus 0.4 और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे 156,250 और आप ये कहना चाहते हो x is equal to 250,000। बहुत समझदार बंदा होगा ना जो पेपर चेक करेगा, वो कहेगा नहीं समझ गया ठीक की लड़की ने, और जो दूसरा होगा ना वो चीटिंग है ये तो कैसे। ऐसे कौन सा करोगे 1 and 3 क्योंकि 1 and 2 तो पता था तो लिख दिया, 1 and 3 बनाओ तो मानो। वाओ एक अजीब सा आंसर आया है 416667। पूरा 1 घंटा इस क्वेश्चन में लगा दिया जबकि होमवर्क भी ले सकते थे। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन भी तो बनाया, हम तो भूल गए प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। किसी का आया आंसर 4 1s आ गया ना, फिर ठीक विश्वास है ना, एक बार वेरीफाई तो कर लो।
बनाएंगे इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ही दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। नाम क्या है कंपनी का? योयो लिमिटेड। अभी 36 लाख रुपए के डेट है और कूपन कितना है? 10%। कंपनी में पहले से इक्विटी है कि नहीं है वो आगे पता लगे। और आपको कितने की जरूरत है? 40 लाख। और 40 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला, डेट कितने परसेंट के हिसाब से? 12। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11% के हिसाब से। और शेयर इश्यू कर सकते हो आप 16 रुपए के हिसाब से अगर आपको नए शेयर इश्यू करना है। कंपनी के पास ऑलरेडी कितने शेयर है? 8 लाख। और टैक्स का रेट है 40%। इफ ईबीआईटी आर प्रेजेंटली शब्द लिखा है ना, समझदार हो आप, 15 लाख, तो ईपीएस निकालना फॉर 3 अल्टरनेटिव, एज्यूम नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब मुझे बस ये शब्द का मतलब बता दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको क्या बोलेगा मैं बता रहा हूं, बोलेगा कि जब हम ऐसा क्वेश्चन इसमें डाला है कि नहीं पर मैं नहीं जानता, पर जब आप निकालते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हो आरओ या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और मान लो कितना आ गया 12%, तो कभी बोलेगा कि जो हम कमा रहे हैं वो अब हमारा 2% से बढ़ जाएगा, ऐसा शब्द लिखा रहेगा। तो फिर 12 और 2 कितना होगा? 12% को 2% से बढ़ाओ एक बार पक्का। हाँ 12% को 2% से बढ़ाओ 12.12%। ऐसा होता है ना, जैसे आपके इस बार परसेंटेज आपके आए सपोज 37%, और फिर कहेगा यार इस बार तो 2% ज्यादा आया, मतलब 39। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, 12% 2% से बढ़ रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन। हाँ हे भगवान, मैंने वही तो बोला 12% 2% से बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 2%। हो गए, हो जाए अब तो चलते। 14% का होगा जब आप बोलोगे 12% को 2% से बढ़ा, और फिर बोलोगे 12% 2% से बढ़ा, दो अलग अलग बात। अच्छा 12% इंक्रीज बाय 2% बोलो, ठीक है अंग्रेजी में बोलो। मुझे बुक पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ओपन करोगे एक बार? पेज नंबर 43 अच्छा आपको तब आपके यहाँ तो किसी को नहीं समझ में आएगा ना, बस वो इनको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन किया याद है, उसमें हम बढ़ा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, कितने परसेंट का चेंज कर रहे थे? 10% का,
किसी ने कैपिटल बूस्टिंग किया है क्या? मेरा क्वेश्चन है कि हर चीज को हम 10% से चेंज कर रहे हैं, अगर डिस्काउंटिंग रेट है 10% और इसको भी हमें 10% से बढ़ाना है तो क्या आएगा आंसर? 11% आएगा कि 20% आएगा? पक्का? ठीक, आगे मिलते हैं फिर। ये क्वेश्चन जो किया था ना आपने, ये गलत किया था। ICAI ने भी आपके हिसाब से 10% को 10% से बढ़ाते तो 11% आ रहा है, और मेरा ये क्वेश्चन है 10% को 10% से इंक्रीज करोगे तो आंसर कितना आएगा? 20%। मेरे और आपके ओपिनियन में अलग अलग है। चलो मिलेगा ना हम लोग अभी कुछ समय, अभी अभी यहाँ हम जो चीज है नहीं उस मैटर पे बात क्यों करें? यहाँ क्या करना है भाई ये बताओ, कितना क्वेश्चन करना है? ये 12 नहीं, मेरा क्वेश्चन है यहाँ हमको निकालना पड़ेगा ना यार, और चेंज करना ही नहीं है तो हम बहस ही क्यों कर रहे हैं? दूसरा दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, और साथ में आप ये वाला पॉइंट पहले काम करें, ये वाला निपटा है। चलो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड EBIT। कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड EBIT। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई? पहले से कितना पैसा लगा हुआ है? डेट कितने का है? 36 लाख, 8 लाख शेयर्स है, 8 लाख इंटू क्या करना पड़ेगा? 16 रुपए के हिसाब से इश्यू कर रहे हो, पर यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 10 लेकर कर ले, 16 भी ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा फेस वैल्यू कितना ले लिया? 10। 8 लाख × 10 कितना आ गया? अभी अभी रुक जाओ, पहले पहले सुन लो, यहाँ कितना आ गया टोटल मिलाकर? 1 करोड़ 16 लाख। और अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? न्यू, अच्छा हमको तो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालना, चलो वो निकाल ही लेते हैं। कितना कमा रहे हम लोग? EBIT कितना है? 15 लाख। × 100 12 पॉइंट, इतना राउंडेड नहीं कर सकते, 12.93। ठीक, अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? अच्छा एक बात पूछ रहा हूं, एक बात फिर से अभी भी देख लो, रुक जाओ, इसका मतलब क्या है? फिर से पूछ रहा हूं, अभी रुक जाना, फिर मुझे गाली मत देना, पहले रुक जा। ये निकाला, उसके बाद मैं एस्टिमेटेड EBIT निकाल सकता हूँ? बताओ एक बार एस्टिमेटेड EBIT। मतलब यार ये था 1 करोड़ 16 लाख प्लस
40 लाख और इस पे कितना परसेंट 12.93%। मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा अगर किसी को काटना पड़ेगा तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रुक। हाँ कितना आ गया 20 ठीक है। हालांकि मुझे यहां से पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि अभी ईबीआईटी है 15 लाख और ये ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट ही तो है और प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रिटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। अभी 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 मैं रुका हुआ आपका, पर आप भी सही हो सकते हो, प्रॉफिट में चेंज हो सकता है। ऐसे कैसी बात कर रहे हो सर, पैसा उठा रहे हो आप, प्रोजेक्ट में लगा रहे हो और उतना ही कमा रहे हो तो क्यों उठा रहे हो आप? लॉजिक की बात करो थोड़ा सा। मैंने आपसे पैसे उधार लिए और लगा रहा हूं प्रोजेक्ट में और कितना कमाऊंगा 15 लाख, तो घर में बैठो ना यार। ठीक, लॉजिकली तो ये आना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट क्या बोल रहा, पॉइंट नंबर बी की बात कर, ये वाला हाउ हाउ मच एक इंडिफरेंस आया, इससे ऊपर कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा होगा डेट, और इससे कम में एक भगवान ना करे क्योंकि ये बढ़ा के ले रहा है और इसी में डेट अच्छा आ गया, सुनो ध्यान से, इसी में डेट अच्छा आ गया, क्या जवाब दोगे? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इससे आपने ईपीएस निकाला और ये इतना ज्यादा था कि आंसर आ गया, कौन सा अल्टरनेटिव आएगा ज्यादा ईबीआईटी में, कौन सा अल्टरनेटिव और इससे कम ईबीआईटी रहेगा तो कौन सा अच्छा रहेगा। तो वो ये बोल रहा कि ईबीआईटी को कितना बढ़ाए कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव अच्छा हो जाए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इस लाइन को पढ़ो तो शायद आपको कुछ बात समझ में आए। थोड़ा सोचो, लिखा हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज, ईबीआईटी को कितने रुपए से इंक्रीज करे कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। इस सिचुएशन में हो सकता है किस्मत खराब रही और इसमें आ गया डेट अच्छा, तो इसका तो खेल खत्म हो गया फिर। देखो कॉन्सेप्ट की बात करो तो कॉन्सेप्ट में आप सही हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट में सही है क्योंकि आप पैसा उठाकर कहीं लगा रहे हो तो जितना कमा रहे हो अगर उतना ही कमाओगे तो फिर लगा ही, कॉन्सेप्चुअल सही हो आप। लेकिन ये सेकंड पॉइंट की वजह से मैं भी तो आपकी बातों में आ गया था ना कि हाँ चलो ठीक है कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं आरओआई। लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा, मुझे नहीं मालूम इसमें इक्विटी भी अच्छा आ सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई चांस इसमें डेट अच्छा आ गया तो पॉइंट नंबर बी खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा ईपीएस निकाल लेते हैं फिर पता लगेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। हाँ कैलकुलेटर में आता है कैलकुलेटर कर सकते ईपीएस निकालना। सुनो मेरी बात, इसमें डेट अच्छा आया, सॉरी इसमें 15 लाख में डेट अच्छा आया तो क्या इसमें भी डेट अच्छा आएगा? हाँ ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें कौन सा अच्छा है इक्विटी, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें डेट अच्छा है पर इसमें क्योंकि ईबीआईटी कम है ना यार। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि यार या तो आप एक काम करो इसके हिसाब से काम करो, या तो करो 15 लाख उठाइए, ईपीएस निकालिए, फिर इंडिफरेंस निकालिए और फिर बताइए कि कितने रुपए तक ईबीआईटी बढ़ाना है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल गलत है लेकिन उससे आप सेकंड पॉइंट नहीं संभाल पाते, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, तो उससे कौन कौन सी चीज से आप बच गए? सुनो फेस वैल्यू क्या एज्यूम कर रहे थे आप 10, क्या जरूरत थी नहीं, हम लड़ रहे थे कि फेस वैल्यू 16 लेना है कि 10 लेना। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ EPS. सर काटना है क्या जो किया है उसको एक बॉक्स में डाल दो, कॉन्सेप्चुअल वो सही है जो आप कर रहे हैं उसको एक बॉक्स में डाल दो। अच्छा आधा ही बनाए थे,
काट दिया क्या सीधा? ईपीएस भी निकल लिया क्या? भाई कोई कॉन्सेप्ट के नाम से मुझे यहाँ कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सारी बहस आप कर सकते हो कि ऐसे थोड़ी ना होता है सर, फिर तो कोई मतलब नहीं है पैसे उधार लेने का लोगों से। कितने अल्टरनेटिव है हमारे पास? तीन, वन टू थ्री। और यहां क्या जाएगा भाई? ईबीआईटी आईसीआई बोल रहे हो। जब मैं इतना आसान बनाकर दे रहा हूं तो क्यों अपना दिमाग चला रहे हो बेकार? 15 लाख 15 लाख 15 लाख माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट। पहले से डेट है क्या? एक बार भूल जाते हैं हम, पहले से डेट है क्या? 40 लाख का, 36 लाख का कितना आ रहा है? 360,000। तीन साठ, और यहां भी 360,000। ये किस पे निकाल रहे हो आप? ओल्ड कौन से वाले में आएगा? नहीं, किसी में और है ना यार डेट? किसी में है ना? कितना? 660,000 11,40,000 और दूसरा भी कितना जाएगा? 11,40,000 टैक्स। टैक्स का रेट कितना दिया है? 3,96,000 ये वाला सेकंड वाला 6,84,000 इसके बाद आता है ना मैम, अभी और इधर कुछ करवा देते ना तो ये गोली मार देते मुझे मालूम। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा भाई? पहले से है क्या? नहीं है, सेकंड में आएगा। 40 लाख का 11%, 4 लाख। अब जाएगा अर्निंग्स, 2,44,000 फिर 6,84,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख, 10,50,000 10,50,000 ईपीएस 0.495, 0.305, 0.109।
0.651। कौन सा अच्छा है ये बता दो सबसे पहले, फिर सोचेंगे क्या करना। थर्ड बेस्ट, और थर्ड में क्या है अल्टरनेटिव कौन सा होगा। इक्विटी, सेकेंड। अगर इसके बाद अगर दूसरा नंबर किसी का लगता तो किसका लगता। और मैंने कहा कि ईबीआईटी कितना है अभी 15 लाख, जिसपे ईपीएस कितना आ रहा है 0.65। अब बोलो कि क्या बोल रहा है। किस किस का इंडिफरेंस पॉइंट निकालोगे, आराम से सोच लो पॉइंट नंबर। बस इस पे फंसे, इस पे फंसे। इसके बाद सेकंड बेस्ट कौन सा है, तो हमें कंपैरिजन किस किस का करना पड़े। फर्स्ट और थर्ड का इंडिफरेंस निकालो सबसे पहले, फिर सोचेंगे क्या। कहीं कर रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूं, बस एक बात पूछ रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ। आप सही कर रहे हो, काटना नहीं पड़ेगा 100%। सुनो, इंडिफरेंस इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा। पक्का क्यों दिमाग चलाए बेकार अच्छा काटना ही पड़ा आखिर। कितना तो अपन ये ले, इंटरेस्ट ये लेना भाई, ये वाला 76 था। इंटरेस्ट ये लेना दोनों है ना, मतलब हाँ अच्छा प्रेफरेंस है नहीं है दोनों में। हाँ ठीक तो है,
अच्छा कितना आया जी 70 हाँ सही है माइनस 15 लाख कर दो ठीक। और हमने एस्टिमेटेड डीबीआईटी कितना निकाला था वैसे वो जो ब्रैकेट में डाला तो भी चल जाता काम ऐसे करोगे ऐसी अच्छा ये नहीं निकला कि 23,76,000 है जी अच्छा इसमें तो आंसर भी दिए अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन और करने के क्लास ओवर कर एक ये वाला होमवर्क जो भी लेना होगा तो बता देना मुझे बस 3 ही क्वेश्चन नहीं आज खत्म करना है तम आपको लगेगा पढ़ेंगे क्वेश्चन लगेगा तो मैं होमवर्क दे दूंगा द फॉलोइंग करंट डेटा आर अवेलेबल कंसर्न थीटा लिमिटेड एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को कितना शेयर्स इश्यू कर रहे हो भाई रुपए अब वो रुपए मेरे टाइपिस्ट ने गलत तो नहीं डाल दिया वो मुझे नहीं मालूम पता रुपए चिपका दिए हमारा बैंड बच गया ठीक है कोई बात मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 20 इंटरेस्ट रेट है 12% टैक्स का रेट है 46% और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है 15 और एडिशनल पैसों की जरूरत है 50 वैसे तो कुछ है नहीं है क्वेश्चन में होमवर्क नहीं ये समस्या नहीं 10,000 शेयर से कि 10,000 रुपीज है भाई आप ये ईपीएस तो निकाल कर बता लो कम से कम उसे समझ में जाएगा कि क्या करना है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 15,000 रुपए दिया हुआ है 15,000 और पहला वाला कौन सा डेट से कर रहा है कि इक्विटी से कर रहा है दोनों में से कोई भी एक आंसर आ जाएगा ना तो हमको समझे हम ये पता कर रहे हैं कि रुपीज है कि शेयर है बस पंद्रह हजार माइनस क्या करना है कुछ करना है क्या अच्छा सीधा टैक्स ले लिया तो 46 माइनस खुश अच्छा बचा लिया तो रुपीज को काट दो अब होमवर्क लेना चाहोगे आप पक्का अच्छा सुनो बस कुछ नहीं है यहाँ 10,000 शेयर्स है वो चेक और यहाँ देखो क्या मांगा इसके बाद इंडिफरेंस वो भी निकाल लोगे फिर ये क्या मांगा जो आएगा ईबीआईटी उसके हिसाब से क्या निकालना है ईपीएस और ईपीएस कौन से अल्टरनेटिव से निकालेंगे डेट या इक्विटी पहले यहां ईपीएस 2 ईपीएस निकलेगा एग्री फिर यहां इंडिफरेंस निकलेगा एक ईबीआईटी पता लग जाएगा जो 15,000 के अलावा कुछ और होगा फिर हमको क्या निकालना वापस ईपीएस तो ईपीएस कौन से अल्टरनेटिव से निकालोगे
चलो मन से बोला 12,000, चलो निकल गए इंडिफरेंस 12,000। अब इसके बाद बोल रहा कि ईपीएस निकालो, 12,000 माइनस करना है कि नहीं करना है, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे भाई, दोनों से करना, दोनों से, और दोनों में ईपीएस क्या आएगा, इतना ही आएगा, वही तो हम सीख रहे हैं। समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप प्रूव करने की कोशिश करो, आप बता दो कि भाई सही है क्या। होमवर्क अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास वर्क कॉपी में होना चाहिए। वाओ ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए। चलो हिम्मत दिखाते हैं। हाँ इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मतलब मेरे साथ साथ है, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ क्लास को। बस इसके बाद तो क्वेश्चन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 बनाते फिर सोचेंगे क्या करना है। EBIT दिया है 23 लाख, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। 23 लाख EBIT। डिबेंचर कितना दिया है 80,000, मतलब पहले से डिबेंचर है, एक बार भूल गए थे मुझे अभी तक याद, और फिर अगले दिन मुझे बताया गया था, फिर 2,20,000 भी तो ये 20 लाख क्या निकल गया भाई EBIT। टैक्स है कि नहीं है तो, पर परसेंटेज नहीं दिया है, किस्मत अमाउंट दिया, पर क्या आप टैक्स का रेट निकाल सकते हैं कितना परसेंट? 50%। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, ईपीएस दिया, मार्केट प्राइस दिया, तो क्या प्राइस अर्निंग रेशियो निकल सकता है? कितना आएगा प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस प्राइस अर्निंग, प्राइस ऊपर नीचे अर्निंग, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 टाइम्स, ये टाइम्स में आता प्राइस। ठीक, कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है कितना रुपए? 20 लाख। कितने रुपए की जरूरत है? वाओ बस ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास ओवर, इसमें बहुत टाइम लगेगा। कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? 30 लाख। इसलिए चाहिए, वो बोलता है सुनो हम कोई एक्सपांशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, जो 30 लाख रुपए है उससे डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे, और अगर कुछ बच गया पैसा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्लांट में लगाएंगे। वो आपको हिसाब किताब करना, आपकी एडवाइस चाहिए बस कि पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करें। पहला, सारा की सारा पैसा कहाँ से अरेंज कर लें? टर्म लोन, 12% ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा, बस दो ही अल्टरनेटिव, दूसरा आधा शेयर्स इश्यू करके और बचा हुआ लोन से, ये लो, इसी का तो इंतजार था मुझको। हाँ कोई मुझे बता रहा था कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, चलो वक्त आ गया है। आपका कंपनी को लग रहा है कि इंप्रूव होगा रेट ऑफ रिटर्न बाय 2%, जो भी रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, मान लो 12% निकला, उसको कितने परसेंट इंप्रूव करना है? 2%। इस मैटर पे मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। और प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो गो डाउन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सारा की सारा पैसा कहां से लो? टर्म लोन से। कंपनी को एडवाइस करना कौन सा अच्छा है, वो तो टाइम पास है, सेकंड वाला तो फिर से पूछ लिया तो वो सेकंड वाला बाद में कर लेंगे। सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन में? एस्टिमेटेड ईबीआई, उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर बात होगी आराम से। पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल, एस्टिमेटेड ईबीआईटी। तो
बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कितना है एग्जिस्टिंग, और मैं धीरे धीरे लिखूंगा, मैं एक साथ प्लस करता हूँ तो सब गड़बड़ होता है मुझसे। एक तो आ गया मेरा इक्विटी, पचास लाख है ना, हाँ 5 लाख शेयर्स इंटू 10, 50 लाख। और कुछ है क्या, डिबेंचर है कि नहीं है, नहीं यहां तो लिखा ना पे ऑफ कर देंगे करके सब। अच्छा वो बाद में, बाद डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिया है 80,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा 8%, तो कितना गए 10 लाख। चलो भाई ये भी हो गया 10 लाख। इसके अलावा टर्म लोन कितने का था, 220 डिवाइडेड बाय 11%, कितना गए 30 लाख, और जोड़ोगे तो कितना होगा 80 लाख। तो जोड़ना नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। चलो और कुछ बचा है कि भाई, नहीं है ना यार। मैं लोगों को डराता हूँ, आप मुझे डराते हो, उठा मार दे कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 23 लाख। कितने पे कमा रहे हो, 1 करोड़ पर, तो कितना कमा रहे हो 23 पर। अब बस यहां मुझे बताओ जो अभी कमा रहे हो ये बढ़ जाएगा कितने परसेंट से, 2%। एग्री ना, 25। हाँ तो न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, 23 तो हम वैसे ही कमा रहे थे 23%, और 2% से और बढ़ गए तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा आपको 25। एक्चुअल में ऐसा ही होता, फाइनल में आओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इंटर में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन एक्सेप्शन है जो मैं कैपिटल बेस्टिंग का खोल के बताया था। परसेंटेज को परसेंटेज से बढ़ाना है ना तो कभी भी प्लस ही होता। रिजल्ट पिछले बार आया था 10%, अभी 2% बढ़ के आया सीए का, मतलब 12%। हाँ सीधा प्लस होगा। तो अब तो एस्टिमेटेड ईबीआईटी निकल सकता है, इसको किसी लिख लिया। चलो जी एस्टिमेटेड ईबीआईटी तो समझ के बताना, पहले से कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, 1 करोड़। 1 करोड़ था मतलब 100 लाख था पहले का कैपिटल, और कितना पैसे हमें जरूरत पड़ा, 30 लाख, और माइनस 20 लाख, माइनस 8 लाख। उन पैसों का कर क्या रहा है वो, अब 30 लाख डिवेंचर को, तो उसको उड़ाना पड़ेगा ना डिवेंचर को, 10 लाख का था ना तो 10 लाख तो उड़ाना पड़ेगा। आपका जो एक्चुअल में प्लांट में इन्वेस्टमेंट है जहां से आप कमा रहे हो, वहां पूरा 1 करोड़ 30 नहीं लग रहा, जो 30 आया उसको तो कहीं यूज कर रहे हो, बचा हुआ फिर उधर लगा रहे हो, तो एक्चुअल में उधर कितना लग रहा है, 1,20। 1 करोड़ 20 लाख, और इस पे कितना कमाओगे, 25%।
इसमें गलती कहाँ कहाँ हो सकती, 23 और 2 25, वो गलती नहीं है, चलो ठीक है वो पता नहीं था, आगे से ऐसे करेंगे। गलती ये हो सकती कि डिबेंचर आप भूल जाए, डिबेंचर भूल सकते हो ठीक, बाकी और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, एस्टिमेटेड ईबीआईटी लिखते हैं 30 लाख, कितने अल्टरनेटिव हमारे पास, 1 और 2 और ईपीएस निकल। आप निकाल रहे कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो है क्या, तो नाम लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस ठीक। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस कितने अल्टरनेटिव है हमारे पास, 2। एस्टिमेटेड ईबीआईटी कितना कितना निकला था, 30 लाख और इसमें भी आएगा 30 लाख, माइनस क्या आएगा इंटरेस्ट, दो लाख बीस हजार का 11% नहीं, 2,20,000 ही तो लेना है, हम क्या निकाल रहा वैसे, मतलब कब का, पास्ट का कि फ्यूचर का, फ्यूचर में डिबेंचर रहेगा, कहाँ रहेंगे फ्यूचर में डिबेंचर को, तो हमने पेमेंट कर दिया। अच्छा वो मैं आ गया उधर से, और मैं यहां भी बोला कि डिबेंचर भूल जाओगे, क्या हम भूल गए, कसम खाए कहीं ना कहीं भूलेंगे सर हम। सही बोल रहा, ओल्ड डिबेंचर नहीं आएगा, न्यू डेट है कि कहीं है, फर्स्ट वाले में है 12%, कितने का लेंगे यार 12%, 30 लाख ना पक्का, 30 लाख का 12% कितना होता, 3,60,000, और दूसरे वाले में भी टर्म लोन है सर, एक लाख इंटू 20 तो 20 लाख हो गए, 10 लाख का 12%, 21, बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे मालूम था कि यहाँ डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप लिखोगे करके, इसलिए मैं बाहर गया। छब्बीस लाख माइनस क्या करोगे, टैक्स, टैक्स का रेट 50%, 12 लाख, दूसरा 13,30,000, तो ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, पांच लाख है ना, इधर क्या जाएगा ईपीएस कितना, 2.42,
2.217 इंटू क्या कर देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। आपने कर भी लिया था आखिरी तक और यह आंसर मैच हो गया था आपका। अच्छा यहाँ तक पहुंची नहीं थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलो। नहीं कुछ गलत होगा बता दो यार। यहाँ तक सही है। प्राइस अर्निंग रेशियो ये शब्द लिखा हुआ अगर पूरा की पूरा पैसा टर्म लोन से लेते हो तो कितना 8 मतलब यहां 8 और यहां 10 22.1। ठीक है कौन सा अच्छा बोल रहा है? हाँ पूछा एडवाइस द कंपनी ऑन द फाइनेंशियल प्लान टू बी सिलेक्टेड। जितना कमाते हो उसको मल्टीप्लाई कर देना प्राइस अर्निंग रेशियो से। एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। कहाँ अभी दो क्वेश्चन और बनाना है। तो होमवर्क लोगे? मैं तो क्लास ही ओवर करने वाला। ये सुनो ये बच्चा क्वेश्चन है ऐसा होमवर्क थीटर लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया है क्या? इजी क्वेश्चन है हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन होमवर्क क्लास ओवर हो गई। बुक है बुक मुझे चाहिए। अच्छा एक बार जिनके जिन लोगों के पास बुक है एक बार बुक ओपन करोगे। कुछ दे नहीं रहा हूं होमवर्क ये टारगेट है कि भाई क्या क्या बच गया अभी इसमें से। पेज नंबर 74 पे आ जाओ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक हो गया। किसी का 8 बचा है क्या? अगर बाई चांस किसी का बचा होगा तो होमवर्क है। अब पेज नंबर 79 पे जाओ। 10 हो चुका है 11, 12, 13 होमवर्क। एक्चुअली आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 16 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है क्या? 15 होमवर्क था तो ये तो हो ही चुका। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 भी हो चुका है। 19 होमवर्क। 20 और क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है तो इधर का तो काम खत्म हो गया हमारा। कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी अलग चीज है वो अलग कॉन्सेप्ट। वहाँ नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम एमएम मॉडल ये सब आएगी वो अलग है। तो मैं आपको पहले बता दूं आप सीधा इतने स्पीड से पेज कैसे पलटा लिए मैं पहुंच रहा हूँ। पेज नंबर 84 पे वापस आओ ठीक है।
22, 23, 24 छोड़, ये अभी टिक नहीं करना है. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42 पे पहुंच जाओ सीधा. 41 तक अलग कैटेगरी है, वहां से कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में 41 तक अलग कैटेगरी, वो अलग कॉन्सेप्ट है. 42 से वापस वही क्वेश्चन डले जो आपने यहाँ किए. इट मीन्स 42, 43, 44, 45 तो मैंने करवाया हूँ क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ 42, 43 और 44 होमवर्क. 42, 40 सबका आंसर दिया है, कोई पूछेगा भी नहीं कैसे, क्योंकि आंसर दिया है तो. 42, 43 और 44 होमवर्क. आज कोई होमवर्क दिया हूँ कि मैंने दिया है क्या? छोटे छोटे पांच ही हुए ना यार. तो नहीं हुआ ना, 8 क्वेश्चन तो नहीं हुए ना. हाँ, इसलिए 8 हुए कि नहीं हुए मुझे बताओ. नहीं हुए, 7 ही हुए ना क्वेश्चन, हो गए हैं क्या? चलो बाकी कल करेंगे. हाँ, वही कॉन्सेप्ट है.